तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि ये जो हमारा आपने थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि ये हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न का पूरा बेसिक टू एडवांस कोर्स होने वाला है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप भी स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको एक डीमैट की आवश्यकता होगी। डीमैट के बाद जो बेसिक है, बेसिक देखिए मैं डायरेक्ट बेसिक कवर नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट कैंडलस्टिक पैटर्न कवर कर रहा हूं। अगर आपको बेसिक सीखना है तो यूट्यूब से, अगर जिसको वो पता है कॉल पुट क्या होता है, एटीएम एटीएम क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, मतलब आपका ट्रेड लाइन क्या होती है, ये मतलब आपका बेसिक कंप्लीट है। अगर फिर भी आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद में जो हमारा कंटिन्यू सीरीज चलेगा, ये एपिसोड चलेंगे, एपिसोड वन, एपिसोड टू, जितने भी एपिसोड ये चलते रहेंगे, आप इनको देखते जाना। मैं एटीएम ओटीएम भी समझा दूंगा, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस भी समझा दूंगा, डीमैट अकाउंट ओपन कैसे करते हैं, स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, टारगेट, सारी चीजें मैं बेसिक, बट ये स्टार्टिंग बेसिक से नहीं है। नाम बेसिक टू एडवांस है लेकिन स्टार्ट में बेसिक से नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट पहले कैंडलस्टिक पैटर्न पर, जिन पर मैं खुद काम करता हूं, वो आपके साथ शेयर करता हूं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। नमस्कार जी, जैसा कि इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं, है ना, बेसिक टू एडवांस, जिस पर मैं ट्रेड करता हूं, है ना, जिस पर मार्केट में मैं खुद ट्रेड करता हूं, वो मैं आपके साथ पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं। बैक टू बैक आपको वीडियो मिलने वाला है। सबसे पहले हम समझते हैं, देखिए मैं खुद करता हूं कैंडलस्टिक पैटर्न पे ट्रेड, और हर एक कैंडलस्टिक पैटर्न मार्केट में मुझे इजीली 40 से 50 पॉइंट देके जाता ही है। अगर आपको देखना है तो मेरे टेलीग्राम पर जाकर चेक कर सकते हो, मैं हमेशा, और मेरे शॉर्ट वीडियो में भी जाकर देख सकते हो, मैं हमेशा कैंडलस्टिक पैटर्न पर ही ट्रेड करता हूं, और वो मेरे को लगभग 40-50 पॉइंट हर कैंडलस्टिक पैटर्न मार्केट में, कैंडलस्टिक पैटर्न काम करता है और वो मुझे 40-50 पॉइंट देके भी जाता है। अब आप कैसे कैंडलस्टिक पैटर्न पर ट्रेड कर सकते हैं, चलिए पहले हम समझते हैं, बेसिक से हम पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे। जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न मार्केट में होते हैं और जिन पर मैं खुद काम करता हूं, वो सारे मैं यहां पर कवर करने वाला हूं। चलिए पहले यहां पर हम समझते हैं बेसिक मार्केट के, मतलब सबसे पहले आपको एक चीज़ आपका क्लियर, सबसे पहले आपका एक चीज़ क्लियर होना चाहिए कि मार्केट जो चलता है वो चलता है कैंडलस्टिक पर। अब मार्केट में जो कैंडलस्टिक होती है वो दो प्रकार की होती है, कौन सी, एक आपकी ग्रीन कैंडलस्टिक होती है और एक आपकी रेड कैंडलस्टिक होती है। चलिए अब यहाँ पर मैं आपके सामने एग्जांपल देता हूँ। देखिए जो ग्रीन कैंडलस्टिक होती है वो पॉजिटिव कैंडल होती है, मतलब जो बायर्स को दर्शाती है, मतलब जो खरीदी करने वाले हैं उनको दर्शाती है, और जो नेगेटिव कैंडल होती है, जो रेड कैंडल होती है, वो नेगेटिव कैंडल होती है, वो सेलर्स को दर्शाती है ना। अब यहाँ पर इसकी जो मतलब आपकी ओपनिंग और क्लोजिंग होती है वो अपोजिट होती है, मतलब मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए इस कैंडल का प्राइस यहाँ पर ओपन होता है, कहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, यहाँ पर ओपन होता है। जो रेड कैंडल होती है वो नीचे से ओपन होती है, ठीक है, नीचे से ओपन होती है। यहाँ पर मान लीजिए इसका जो प्राइस है, इसका जो प्राइस है वो यहाँ पर 50 रुपये, ठीक है, यहाँ पर इसका प्राइस है वो 50 रुपये। अब यहाँ से ओपन होने के बाद यहाँ पर सेलर्स आते हैं और मार्केट इस कैंडल को नीचे ले जाते हैं और यहाँ पर इसका एक लो बनाते हैं, यहाँ पर इसका प्राइस मान लो 40 रुपये, ठीक है, इसका एक लो बनाया। अब यहाँ से वापस बायर्स आते हैं, इसको ऊपर लेके जाते हैं, ऊपर लेके जाते हैं और यहाँ का एक हाई बनाते हैं, और ये मान लो आपका यहाँ पर ये हाई है, ये 70 रुपये का है, ठीक है, और यहाँ पर ये 70 रुपये का, वापस कहीं से सेलर्स आते हैं और यहाँ पर लाकर क्लोज करवाते हैं, और ये आपका मान लो लगभग प्राइस 60 रुपये का है, ठीक है। मतलब कुल मिला के मेरा जो कहने का मतलब है कि जो ग्रीन कैंडल होती है वो नीचे से, जहाँ उसकी जो बॉडी होती है, जो बॉडी होती है वो नीचे से ओपन होकर ऊपर की ओर क्लोज होती है, हाई लो जो वीक रहती है, अगर नीचे की डाउन साइड में वीक है तो वो उसका लो है, और अप साइड में अगर उसकी वीक है तो वो उसका हाई है। ध्यान से समझना, अप साइड में और डाउन साइड में अगर वीक निकली हुई है किसी भी कैंडल की तो उसका हाई लो सेम होता है, लेकिन जो ग्रीन कैंडल होती है वो नीचे से ओपन होकर ऊपर क्लोज होती है, और जो रेड कैंडल होती है ना, जो रेड कैंडल होती है वो ऊपर से, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये ऊपर से ओपन हो रही है, ऊपर से ओपन होने के बाद नीचे गई, यहाँ पर बायर नीचे सेलर्स लेके आए, लेकिन फिर बायर्स को ऊपर लेके आए, यहाँ का हाई बनाया और यहाँ पर लाकर सेलर्स ने क्लोज करवा दिया। मतलब इसका जो हाई है, जो ग्रीन कैंडल का हाई रहता है ना, जो वीक निकलती है उसका और इसका हाई सेम रहेगा, इसका लो और इसका लो भी सेम रहेगा, लेकिन इसकी जो ओपनिंग है वो ऊपर से होगी और नीचे क्लोज होगी, और इसकी जो ओपनिंग है वो नीचे से होगी और ऊपर क्लोज होगी, है ना, ये समझना बात को। ओपन नीचे से ऊपर होती है ग्रीन कैंडल, और ऊपर से नीचे होती है रेड कैंडल, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हम समझने वाले हैं कैंडलस्टिक पैटर्न। तो यहाँ पर मेरा एक PDF है, इसको मैं टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा, उसमें मैंने सारी चीज़ें आपको लिख रखी है। यहाँ पर मैं अपना PDF अगर मैं आपको निकाल के बताऊं, देखिए जिन जिन कैंडलस्टिक पैटर्न पर मैं खुद काम करता हूं, वही मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लगभग मैं 20 से 22 कैंडलस्टिक पैटर्न पर काम करता हूं, और जो छः मेरे कैंडलस्टिक पैटर्न है उन पर मैं डीप फोकस करूंगा। तो ये जो एपिसोड कंटिन्यू चलेंगे, 4-5-6 वीडियो का सीरीज का ये एपिसोड रहेगा, तो इसको मिस बिल्कुल भी मत करना। चलिए पहला जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, देखिए ये कैंडलस्टिक पैटर्न के नाम है, टोटल मार्केट में लगभग 30 कैंडलस्टिक पैटर्न है, और ये चार्ट पैटर्न के नाम है, जो कि मार्केट में लगभग 22 चार्ट पैटर्न है।
जो पहले हम कैंडलस्टिक पैटर्न को कवर करेंगे, फिर हम चार्ट पैटर्न को भी कवर करेंगे। चलिए अब यहाँ पर हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न पहला स्टार्ट होता है हैमर, ठीक है। यहाँ पर ये हैमर होता है स्टार्ट। अब हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है, ये देखिए आपके घर में हथौड़ा देखा होगा आपका, आपको ये हथौड़े की तरह ही दिखाई देता है हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। अब देखिए इसका मान लीजिए ये बनता कैसे, अगर ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल है ये इसकी बॉडी हो गई है ना, ये कैंडल की बॉडी हो गई और ये नीचे डाउन साइड में इसकी विक हो गई, जिसे आपको दिख रहा होगा ये हथौड़े की तरह दिख रहा होगा ना, एक हथौड़े की तरह, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक हथौड़े की तरह दिख रहा होगा। अब इसमें कुछ कंडीशन होती है और ये कहाँ काम करता है ये हम चीज़ समझेंगे, ठीक है। अब आपको देखिए यहाँ पर अगर मान लो ये हैमर आपका कैंडलस्टिक पैटर्न बना, तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि मान लो ये जो बॉडी है ये 3 रुपये की बॉडी है, मान लो कि इसमें जो अगर इसमें जो बैंक निफ्टी का मान लो कि बैंक निफ्टी में हैमर बना और ये बैंक निफ्टी की जो बॉडी है ये लगभग 10 पॉइंट की बॉडी है, मान लो 10 पॉइंट की बॉडी है, तो विक विक इसके 2x यानी 2 गुना होनी चाहिए। मतलब अगर बॉडी 10 पॉइंट की है तो विक मिनिमम 20 पॉइंट की होनी चाहिए, 20 पॉइंट से नीचे आपका हैमर नहीं माना जाता है। अगर 20 पॉइंट के ऊपर प्लस में कितना भी होगा, 20 होगा, 30 होगा, 40 होगा, चलेगा, लेकिन 20 पॉइंट यानी कि जितनी पॉइंट की बॉडी है उससे डबल उसकी विक होना चाहिए, वो हैमर है। अब मान लो कभी कभी हैमर में जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि अप साइड भी वीक है, तो अगर आपकी अप साइड में वीक रहती है तो मैंने क्या कहा, अगर 10 पॉइंट की अगर मान लो बॉडी है, अगर अप साइड में 5 पॉइंट की वीक है तो चलेगा, लेकिन अगर अप साइड में 10 पॉइंट की वीक है तो वो फिर वापस हैमर नहीं होगा। मतलब अप साइड में जो वीक होना चाहिए बॉडी से वो हाफ होना चाहिए और डाउन साइड में जो वीक होना चाहिए बॉडी से डबल होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। अभी हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न आप समझ गए। देखिए इसका कलर मैटर नहीं करता, ये रेड भी बन सकता है, ये ग्रीन भी बन सकता है ना, इसका कलर हमें मैटर बिल्कुल भी नहीं करता। अब यहाँ पर मैं ये थ्योरी भी लिखा हूँ, ये थ्योरी आप पढ़ सकते हैं। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न एक खास कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जो एक संभावित ट्रेंड के उलटफेर है ना, एक संभावित ट्रेंड के उलटफेर को इंगित करता है। चूंकि यह गिरावट के साथ बनता है इसलिए व्यापारी बजट में तेज ट्रेंड की वापसी के साथ हैमर को जोड़ते हैं। लंबी निचली छाया के साथ एक छोटी हरी कैंडल जो बाजार द्वारा कम कीमत की अस्वीकृति का प्रतीक है। देखिए इसका मतलब क्या होता है, मार्केट जब किसी डाउन ट्रेंड में चल रहा है ना, डाउन ट्रेंड पे चल रहा है मार्केट, और डाउन ट्रेंड पर जैसे मान लीजिए मार्केट डाउन ट्रेंड पे चल रहा है और यहाँ पर कहीं सपोर्ट है ना, यहाँ पर कहीं सपोर्ट है और मार्केट सपोर्ट पर आकर एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना देता है, कलर कोई सा भी हो, रेड हो या ग्रीन हो, आप हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न संकेत करता है कि अगर डाउन ट्रेंड आया, सपोर्ट पर हैमर बना, मतलब मार्केट यहां से रिवर्स हो सकता है। अब हमारी एंट्री कैसे होगी इसमें, अगर हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना है तो उसके हाई के ऊपर अगर एक ग्रीन कैंडल क्लोज करती है, उसके हाई के ऊपर अगर एक ग्रीन कैंडल क्लोज करती है हमारी एंट्री वहां पर हो सकती है। उस कैंडल के बाद यहां पर मान लीजिए यहां पर इसने हाई पर कैंडल ने क्लोज किया, यहां पर हमारी एंट्री हो सकती है, ये हमारा एंट्री पॉइंट हो गया, और जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो हैमर कैंडलस्टिक के जहाँ लो बनाया, जो उसका लो रहता है, मान लीजिए ये लो है, इसकी लो के नीचे का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ यहाँ पर मार्केट का। मैंने यहाँ पर देखिए मार्केट में एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, क्या हुआ, एक मार्केट में यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पर देखिए मुझे एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हुए देखने को मिला, और जैसे कि मैंने बताया उसके ऊपर अगर एक ग्रीन कैंडल क्लोज करती है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको जूम मारूंगा ताकि आपको दिखे क्लियर, है ना, ठीक है, ठीक है। अब देखिए मार्केट में एक डाउन ट्रेंड आ रहा था, यहाँ से एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा था। अब डाउन ट्रेंड पे आने के बाद यहाँ कहीं मान लीजिए सपोर्ट एरिया है, प्रीवियस डे में मार्केट ने यहाँ से कहीं सपोर्ट लिया हो और वापस ऊपर गया और वापस नीचे आया, अब यहाँ पर ये सपोर्ट पर इसने हैमर क्रिएट किया। अब मैंने क्या बताया था, हैमर बनने के बाद आपको वेट करना है हैमर की पासिंग हो जाए, हैमर के ऊपर एक ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग दे दी, अब हमारी एंट्री कहाँ बनी, यहाँ पर हमारी एंट्री बनी इस कैंडल के आसपास, और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो यहाँ का होगा, और यहाँ से हम 1:2 या मान लीजिए कि जहाँ से मार्केट गिरा है वहां तक के हम टारगेट, या कहीं बीच में अगर उसने रेजिस्टेंस लिया है वहां तक के हम टारगेट प्लान कर सकते हैं। तो ये थी हमारी हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। अब यहां पर अगला जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो हम नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, बैक टू बैक आपको ये एपिसोड मिलते रहेंगे हैमर के जो कैंडलस्टिक पैटर्न पर जिन पर मैं वर्क करता हूं, और आप भी करके देखना, बाजार में कैंडलस्टिक पैटर्न से अच्छा कोई सेटअप मैंने काम करते हुए बिल्कुल भी नहीं देखा है। तो आप भी हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न हुआ, ब्लू सिंगल फिंग हुआ, जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न है मैं कंटिन्यू वीडियो बनाकर आपको सिखाते रहूंगा। आप भी हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, जितने भी मार्केट में कैंडलस्टिक पैटर्न है उनको आजमाइए, उन पर ट्रेड करना
ट्रेड करना चालू करिए। मैं कहता हूँ 100 तो नहीं लेकिन 70 से 60% आपकी एक्यूरेसी निकल के आएगी। चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम पर मेरे साथ ज्वाइन हो जाना, क्योंकि वहाँ पर मैं लाइव मार्केट की सारी अपडेट आपके साथ शेयर करते रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलता हूँ अगली वीडियो।